classes in as a BS subject computer standard 6. Now proceeding into chapter 3, mail processing MS Word. Sometimes you need to send letters or documents with some shared information to different people living in places. Such letter require the name of addresses each to be typed on the top of the letter. Changing the addresses each time can be the cumbersome and the long processes between the need a lot of and effect time. Data source consists of the information about the mailing list. आप डाटा सोर्स क्या एक लिस्ट बनेगी जो आप इस प्रकार लिस्ट देख रहे हैं नेम एड्रेस सिटी और पिन नंबर. द लिस्ट में कंटेन नेम एड्रेस सिटी पिन नंबर टेलीफोन नंबर ईटीसी इत्यादि डाल सकते हैं. द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबुलर द फॉर्म अंडर वेरियस द फील्ड नेम. सिंस द डाटा सोर्स इज रिलेटेड टू द मेन डॉक्यूमेंट इट्स फील्ड नेम शुड बी यूज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट क्या है. द मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट इज टू बी सेंट एंड सील्ड. फील्ड मर्ज देखेंगे. द फील्ड मर्ज इज डाटा दैट कंटेन नेम एड्रेसेस सिटी पिन डॉट. फील्ड मर्ज में आप नेम डाल सकते हैं एड्रेस डाल सकते हैं सिटी पिन नंबर चीज इत्यादि. इट द इंटरेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर द डाटा सोर्स इन द फॉर्म ऑफ द नेम एड्रेस टू बी इंसर्टेड इन द मेन डॉक्यूमेंट. There are the three basic steps to make the document. Creating the main document, specifying the data source, merging the data source with the main document. Creating a mail merge. आप mail merge create कैसे करेंगे? To create the main document, follow the steps. Click on the mailing test. On the ribbon, step 2, click on the start merge. From the start merge. Next, select the letter from the available options. Type the letter you want to send. आप letter भी type कर सकते हैं and send कर सकते हैं you want जो आप चाहते हैं. Creating the data source. Click on the select received icon from the start mail merge group. Select the type in new list from the choices available. The new addresses list dialog box will be appear. इस प्रकार के आपको dialog box मिलेगा list मिलेगी जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. ये आपको इस प्रकार का पिक्चर्स जो है फिगर जो है आपको स्क्रीन पर शो होगा. टाइप द इंफॉर्मेशन इन द वेरियस फील्ड. यू कैन आल्सो लीव द फीडबैक इफ यू वांट टू क्रिएट अनदर एंट्री क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन. आफ्टर टाइपिंग द रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन ओके बटन एंड सेव लिस्ट. आप इसके बाद क्लिक कर देंगे ओके बटन पर. रिवीजन वर्क में आप देखेंगे होमवर्क में आपको राइट करना है और लर्न भी करना है. रिवीजन वर्क में टिक द राइट ऑप्शन इस पर टिक करना है. गिविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको इनपुट कहते हैं आउटपुट कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर. MP300 VAX X-ray वन सुपर कंप्यूटर का कौन सा आपने लिया है आपको टिक करना है. आज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर उनको क्या बोलते हैं. मेलवेयर बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं. नेक्स्ट टू रिमूव ए प्रोग्राम फ्रॉम योर कंप्यूटर बाय यू कैन इट. आप इंस्टॉल कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं या क्रैश कर सकते हैं जो भी आपको क्या करना है. एट द कंटेंट फाइल्स नीडेड बाय द कंप्यूटर टू फंक्शन एंड ऑपरेट. इसमें भी आपको ये करना है दिया गया सिस्टम फोल्डर स्क्रीन रिजोल्यूशंस एंड द कंट्रोल पैनल. ये आपको होमवर्क बनाए करना है और रन करना है. होमवर्क में नोट कर लेंगे लर्न बुक फिलिंग. आपको बुक फिलिंग करके लर्न करना है और राइट करना है. थैंक्स.